भागलपुर में अवैध बालू खनन थमने का नाम नहीं ले रहा। सुबह से ही अवैध बालू लदे ट्रैक्टर सड़कों पर धरल्ले से चलते हैं। हालांकि माफियाओं में पुलिस का खौफ थोड़ा भी नहीं बचा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि लगातार हो रहे अवैध खनन पर प्रशासन का भी कोई खास ध्यान नहीं है। बालू से लदे ट्रैक्टर के चलते आए दिन सड़क हादसा की संख्या बढ़ती जा रही है। अहले सुबह भागलपुर के टीओपी बाईपास थानाध्यक्ष ओम प्रकाश कुमार ने कार्यवाही करते हुए ट्रैक्टर को जब्त किया। हालांकि आपको बता दें कि जगदीशपुर टीओपी बाईपास मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र होकर अहले सुबह ट्रैक्टर धड़ल्ले से चलती है और प्रशासन सिर्फ कार्रवाई करने के नाम पर खानापूर्ति करती है। खनन विभाग तो इतना लापरवाह है कि उसको इसकी खबर तक नहीं। वहीं बालू खनन को लेकर डीआईजी विवेकानंद ने कहा कि बालू खनन करवाने में जो भी शामिल होंगे उनके साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी। भागलपुर से संजय कुमार की रिपोर्ट। रोकथाम के लिए क्या? अवैध बालू खनन सरकार की प्राथमिकता, अवैध बालू खनन को रोकना हमारी प्राथमिकताओं में से है और इस पे जहाँ से खनन हो रहा है या इसका ढुलाई जो हो रही है इस पे सभी विभाग को समन्वय बनाकर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। हम लोग इसमें जो है जिला प्रशासन से भी मिल करके काम करेंगे और डीटीओ माइनिंग अफसर सभी को इन्वॉल्व करके ड्राइव चला करके इस पर और गंभीरतापूर्वक काम किया जाएगा। ट्रैफिक को कैसे सुगम बनाएंगे सर?